बल्कि लगातार वापरती आ रही है। असि देखिया पिछले दो ढाई महीनों तो मणिपुर किवें मसीह लोगों के उत्ते अत्याचार किया जा रहा है और अज तक बंद नहीं होया। तकरीबन 400 तो वध चर्च जिहड़े हन उह साड़ दिते तोड़ दिते ते बंद किए गए ने, पर साडी मौके की मोदी सरकार सुती पई आ कुंभकर्ण की नींदे और डबल इंजन की सरकार अजे तक कोई भी न्याय नहीं दे रही और ना कोई सुरन्यास अजे तक पहुंचा है। तो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल होने करके जदों नग्न अवस्था के उन्होंने भैणा उस लड़की उस भैन जदों नग्न अवस्था के सड़कों के उत्ते घुमाया गया और गैंग रेप करने तो बाद उन्होंने खत्म कर दिता गया। बेशक उन्होंने मौत कुछ घंटे बाद हुई, पर जदों किसी भैन नजायज बिना कसूर तो चुराहे के नंगिया कर दिता जाए असल वो उदो ही मर जाती है। तो इस करके उन्होंने अत्याचार होया। जदों वीडियो साढ़े तक पहुंची, होरना लोगों तक पहुंची, तो जदों उस वीडियो का सारे देश के लोगों ने, मैं दसना चाहना धी हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई की नहीं है, ये धीया भैं साझिया होंदिया ने और यह साडे देश दिया धीया दे नाल अत्याचार किया गया है और मौके की सरकार इसकी जिम्मेवार है और पिछले कई समय तो मसीह लोगों के उत्ते अत्याचार किया जा रहा है। और जो असी अपने जख्मों नूं दोबारा जदों साडे लगदे ने, जदों असी दोबारा याद करदे साडी जिंदगी दे विच जो मसीह लोगों के उत्ते घटनावां वापरियां, जो अत्याचार होया, तां साडा दिल खिंच जांदा है। यह मौके की सरकार इसकी जिम्मेवार है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मणिपुर सरकार और मणिपुर शहर के लिए असी परमेश्वर अगे प्रार्थना करते हैं। बेशक मसीह लोगों के उत्ते अत्याचार हो रहा है, पर यीशु मसीह का लहू जड़ा है वो अज भी उन्होंने गुनाहगार पापी लोगों के लिए बह रहा है। पर इस मौके की सरकार के अगे साडी गुजारिश है कि उन्होंने दोषियों सख्त से सख्त सजा दी जाए ता जो असी सारे इतमान के नाल शांति के नाल परमेश्वर के कामों के अगे बढ़ सकी। सारे सलाम।